इंतहाई बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से जान बूझ के सेमीफाइनल हार जाएगी। आपके साथ डिटेल के साथ रिपोर्ट शेयर करता हूं। जी हां, पाकिस्तानी टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम का 11 नवंबर को रात को 7 बजे दुबई में सेमीफाइनल है, जो कि इस टूर्नामेंट का बहुत ही बड़ा मैच माना जा रहा है, जहां पाकिस्तानी टीम फेवरेट करार दी जा रही है। तो उसके अलावा ये टूर्नामेंट जीतना और ये ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आना पाकिस्तानी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि ये कंडीशंस हमारी होम कंडीशंस हैं और लास्ट 16 मैचेस के अंदर हमने 16 कंजेक्टिव मैच जीते हैं। ना सिर्फ ये जीते हैं बल्कि कोई भी टीम हमारे करीब तक ना पहुंच सकी। अब एक बड़ा ऐलान सामने आया, वो भी मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये ऐलान तब किया गया जब फाइनल हुआ कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल है, उससे पहले नहीं आया। सो शोएब अख्तर ने कहा, सॉफ्ट कॉर्नर इन द सेमीफाइनल बिकॉज ऑफ दिस ने लूल अ वेलकम डिसीजन बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। दो इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे मैच हार जाएं और यानी सेमीफाइनल आपसे हार जाएं और आप ये सोचें कि आप पाकिस्तान का टूर करेंगे, तो ऐसे नहीं होने देंगे हम। आपको अच्छा डिसीजन है, मगर हम आपसे सेमीफाइनल नहीं हारना चाहते और ना हारेंगे। आपका क्या ख्याल है, लाजमी बताइए।